हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम इस वीडियो में पुणे यूनिवर्सिटी के जो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम फॉर्म लिंक ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो कोर्स वाइज एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के डेट्स क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में बताई है। उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस आपको ऑनलाइन पे करनी है या ऑफलाइन पे करनी है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दे दी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स ये क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए गूगल पे टाइप करिए SPPU, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करिए तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्ट लिंक मिलेगी एग्ज़ाम फॉर्म की, तो उसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एक कोर्स के लिए स्टार्ट डेट क्या है, विदाउट लेट फी की डेट क्या है और विथ लेट फी की डेट क्या है, तो इन डेट्स के अंदर ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म लॉगिन आएगा। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये मैं एग्ज़ाम फॉर्म मोबाइल पे फिल कर रहा हूँ, इसको आप लैपटॉप पे या PC पे भी फिल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टूडेंट में क्रिएट अकाउंट, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अभी नए एडमिशन्स लेंगे या डायरेक्ट सेकेंड ईयर में नए एडमिशन्स लेंगे उनके लिए क्रिएट अकाउंट करना होता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो बच्चे एग्जिस्टिंग है SE2B, अभी ये फॉर्म मैं इंजीनियरिंग का फिल कर रहा हूँ, तो SE2B जो बच्चे हैं उनके लिए लॉग इन करना है स्टूडेंट लॉग इन। आपके पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो जो भी आपके पास है लॉगिन बाय, यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे मोबाइल नंबर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करें, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड टाइप करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म नाउ का एक बटन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करें, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा, फिर वही आपको इंटरफेस दिखेगा। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको और यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है प्रोसीड पे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, दो ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ऑप्शन है अदर देन फर्स्ट ईयर नॉन इंजीनियरिंग एंड ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, एक बार आप फिर से चेक करना। उसके बाद में नीचे जाइए और यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी आपके सब्जेक्ट से वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट देखिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें जो है, यहाँ पे सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट जो है क्लिक हो रही है। आप अपना सिलेबस चेक करिए कि जहाँ जहाँ पे टिक होना चाहिए वहाँ पे है या नहीं, सिलेबस कॉपी चेक करिए। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे चले जाइए। अब यहाँ पे एडिशन में कुछ सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑडिट कोर्स है एंड ऑनर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो आप अपने क्लास टीचर से पूछिए, डिपार्टमेंट हेड से पूछिए कि आपके कॉलेज में कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑडिट कोर्स या ऑनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में जो ऑडिट कोर्स है वो यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिक्विट्स, और उसके बाद में ऑनर सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है इस तरह से कुछ इंटरफेस आ जाएगा, फ़ीस की डिटेल्स आएंगे,
यहाँ पे टोटल फीस जो है 1000 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे कंफर्म एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये फीस जो है आपको अभी यहाँ पे देखिए, आपको ये डायरेक्टली कंफर्म हो गया, तो आप यहाँ पे प्रिंट इसकी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स आ चुके हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आ चुका है, इस लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर आ चुका है, और यहाँ पे आपको ये जो फीस है ये आपको ऑफिस में ऑफलाइन डायरेक्टली जाके फिजिकली आपके कॉलेज ऑफिस में जाके आपको ये सबमिट करना है। उससे पहले आप जितने भी ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे टिक किए हैं वो बराबर है या नहीं यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे आप अपनी सिग्नेचर करें, प्लेस डेट डाल दिए, और ये फॉर्म अलॉन्ग विथ फीस आप अपने कॉलेज ऑफिस में सबमिट करें, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन और ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।